हेलो फ्रेंड्स, हमने मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज़ में 1885 कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से लेके 1929 लाहौर सेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यहां तक हमने बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1930 ऑनवर्ड सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स को एलाबोरेटली कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का पहला सेशन है वो 1930 का है। 1930 में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं होता, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी सिविल डिसऑबिडियंस सत्याग्रह को प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कांग्रेस के जितने बड़े नेता होते हैं वो जेल में होते हैं। कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? इस साल बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स हमारे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। साल 1930 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि लाहौर सेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और अब 1930 आ गया है, पूरे देश में जनसभाएँ की जा रही हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा रहा है। इस तरह से 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू होता है, अंगीकार होता है, और इसीलिए प्रत्येक साल 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साथियों, हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है चिटगांव आर्मरी रेड। फ्रेंड्स, हमने देखा पिछले वीडियो में कैसे उत्तर भारत में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होती है, कैसे सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, कैसे काकोरी ट्रेन डकैती करते हैं और कैसे असेंबली पर बम फेंकते हैं। ठीक इसी तरह बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ अब मास्टर सूरसेन के नेतृत्व में जारी हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा था जब क्रांतिकारियों का पहला फेज था तो उसमें अनुशूलन समिति और युगांतर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अनुशूलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की थी तो युगांतर सभा की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने की थी। फ्रेंड्स, अब 1925 में क्या हुआ? सी आर दास की मृत्यु हो जाती है, कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ जाती है, अनुशूलन समिति की कमान जो है जे एम सेन गुप्ता के हाथ में आ जाती है और युगांतर सभा से सुभाष चंद्र बोस जुड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी समय गोपीनाथ साहा जो कलकत्ता का कुख्यात कमिश्नर था टेगट को गोली मार देते हैं लेकिन वो बच जाता है। फ्रेंड्स, इसी समय जो दूसरा फेज है वहाँ बंगाल में एक क्रांतिकारी होते हैं जिनका नाम होता है भगवती चरण बोहरा, वो जो है फिलासफी ऑफ बम नाम की किताब लिखते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मास्टर सूर्यसेन के बारे में। मास्टर सूर्यसेन जो है बंगाल में दूसरे फेज की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उसके मास्टर हैं और इन ये एक गुप्त संस्था बनाते हैं और इनके साथी होते हैं अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकेश बाउल, ठीक है फ्रेंड्स। और इस क्रांतिकारी संगठन के बारे में जो सबसे खास बात है फ्रेंड्स, इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इन महिलाओं का नाम है कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वडेदार, बीना दास और सुनिधि चंदेरी। फ्रेंड्स, ये सब भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में 65 क्रांतिकारी 1930 में चटगांव आर्मरी पे आक्रमण कर देते हैं, सारे गोला बारूद हथियार को लूट लेते हैं और उन्हें क्रांतिकारियों को दे देते हैं, साथ ही साथ ट्रेन की लिंक को काट देते हैं ताकि चटगांव रेस्ट बंगाल से अलग हो जाए। और इसी समय फ्रेंड्स, मास्टर सूर्यसेन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की घोषणा करते हैं, साथ ही साथ भारतीय झंडे को फहराते हैं। 1933 में ब्रिटिश सरकार उनको अरेस्ट कर लेती है और 1934 में उन्हें फांसी दे देती है। फ्रेंड्स, चटगांव के आसपास ब्रिटिश सरकार बहुत ही दमनकारी नीति अपनाती है, हजारों लोगों को मारा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनके गाँव को जला दिया जाता है। साथियों, इन सब घटना की पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है निंदा करते हैं और इन क्रांतिकारियों की प्रशंसा करते हैं तथा इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद की निंदा करते हैं। ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगा के जेल में डाल देती है, ठीक है फ्रेंड्स। साथियों, 1930 में ही गांधी जी ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांग रखते हैं, अगर इन मांग को नहीं माना जाएगा तो गांधी जी राष्ट्रव्यापी सिविल डिसऑबिडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। इन डिमांड्स की कुछ खास बात है, जैसे जो
पॉलिटिकल प्रिजनर थे, कैदी थे, उन्हें रिहा कर दिया जाए, जो साल्ट पे टैक्स लिया जा रहा है उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, सीआईडी में रिफॉर्म किया जाए, आर्मी में बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सरकार अंधाधुंध एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर रही है उसको कम किया जाए, साथ ही साथ फ्रेंड्स जो लैंड पे, ज़मीन पे जो टैक्स लिया जा रहा है उसको भी कम किया जाए, और नमक पे जो टैक्स है उसे ख़त्म कर दिया जाए। फ्रेंड्स ये कुछ खास बातें थी जो गांधी जी ने 11 डिमांड में ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था। गांधी जी की इन डिमांड को नहीं माना जाएगा तो गांधी जी जो है सिविल डिसऑबीडियंस मार्च में स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स साल 1930 की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल घटना थी वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इसकी सामान्य परिभाषा हम ऐसे समझते हैं कि सरकार के किसी भी मांग, नियम, कानून को जो है मानने से पूरी तरह से इनकार कर देना, और गांधी जी के नेतृत्व में पूरा भारत देश ब्रिटिश सरकार की किसी भी मांग, नियम, कानून को मानने से इनकार कर दिया। और इसकी शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च को जो है साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ वो निकले और दांडी पहुँचे 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ पे उन्होंने नमक बना के नमक कानून को तोड़ दिया। फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि भारत में नमक बनाना जो है गैर कानूनी था, सिर्फ ब्रिटिश कंपनियां ही नमक बनाती थी और भारतीयों को ख़रीदना पड़ता था, इस पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी ने नमक को इसलिए इस सत्याग्रह का सिंबल चुना क्योंकि इससे समाज का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से पूरे भारत में नमक आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तंजौर तिरुचनापल्ली यानी मद्रास एरिया में सी राजगोपालाचारी इस आंदोलन को लीड करते हैं, बिहार में अंबिका कांत सिन्हा इस आंदोलन को लीड करते हैं। फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि बिहार एक लैंड लॉक यानी भू आबद्ध स्टेट है, यहाँ पे तो कोई सी तो है नहीं, तो यहाँ पे कैसे इसको नमक बनाया गया। इसके लिए वहाँ पे एक नक्शबक्स तालाब है पटना में, उसको चुना गया और वहाँ पे सिंबॉलिक रूप से नमक बना के इस आंदोलन की शुरुआत की गई। उड़ीसा में इस आंदोलन को लीड किए गोपाल बंधु चौधरी, मणिपुर में रानी गोंडलिनियो जो मात्र 13 साल की उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा लेना स्टार्ट कर दिया, और मालाबार एरिया में के कलप्पन ने इस आंदोलन को लीड किया। फ्रेंड्स पश्चिम में अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बहादुर खान भी कहा जाता है, को कौन भूल सकता है, इन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने पख्तून भाषा में ही खुदाइम खिदमतगार नाम का समाचार पत्र निकाला और इन्होंने फ्रेंड इस समय लाल कुर्ती आंदोलन की जो है शुरुआत की। फ्रेंड्स अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है और इन्हें जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया है साथियों। और इस आंदोलन को जो दूसरी सबसे बड़ी खास बात थी वो थी धरसाना। धरसाना में क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे सरोजनी नायडू, गांधी जी के पुत्र मनीलाल और मोहम्मद इमाम जो है पीसफुली जो है साल्ट वर्क्स के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी जिसमें 3 लोग मारे गए, लगभग 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और इस घटना को जो है बेब मिलर जो कि एक अमेरिकी पत्रकार था वो कवर कर रहा था। आपको बताते चलें कि बेब मिलर गांधी जी के साथ इस आंदोलन को कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ फ्रेंड्स आपको बता दें कि डांडी जो है गुजरात के नौसारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भागीदारी निभाई उसमें महिलाओं ने, स्टूडेंट्स ने, मुस्लिम्स ने, पीजेंट यानी किसानों ने, वर्कर्स ने, ट्राइबल्स ने, यानी कि समाज के हर तबके के लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 90,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस तरह से हम कह सकते हैं जो असहयोग आंदोलन था उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अच्छे से मोबिलाइज करने के लिए मजरी सेना और बानर सेना की स्थापना की गई थी। और इस आंदोलन के कारण क्या हुआ, यूपी में जमींदारी टैक्स लोगों ने देना बंद कर दिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में क्या हुआ, लोगों ने फॉरेस्ट टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स यानी कि जो
चरवाहे का टैक्स होता था, जहाँ पे जानवर चरते थे उनका भी टैक्स लगता था, उसको भी देना लोगों ने बंद कर दी। जंगल में लकड़ियाँ लोग बिना सरकार की परमिशन से काटने लगे, और बंगाल में भी चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिए। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस होता है, टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ब्रिटेन से इम्पोर्ट होके विदेशी कपड़े आते थे, सामान आते थे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई। इस तरह से सबने अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस और गांधी जी की एक जीत के तौर पर देखा जाता है। और इसीलिए फ्रेंड्स गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में होता है। सेशन है 1931 का सेशन कराची में हुआ और इसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना जाता है। फ्रेंड्स 1931 की जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो गांधी इरविन पैक्ट है। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट आखिर क्यों हुआ। गांधी जी ने 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में जोरों शोरों, 90,000 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके थे, भारतीयों ने टैक्स देना बंद कर दिया था। और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की, क्योंकि कांग्रेस ही पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी कि भारतीयों की पार्टी थी। ब्रिटिश सरकार लॉर्ड इरविन पर जो है दबाव डालती है कि बिना कांग्रेस के कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिए गांधी जी और कांग्रेस को मनाइए और उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए। तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता की वजह से गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट में गांधी जी अपनी कुछ शर्त रखते हैं, जैसे कि सभी सत्याग्रहियों को जो अहिंसा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की, उन्हें तुरंत जो है रिहा कर दिया जाए। गांधी जी दूसरी शर्त रखते हैं कि शराब के ठेकों पर जो है हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे सकते हैं। तीसरी बात ये रखते हैं कि भारतीय जो है नमक बना सकते हैं केवल खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा। चौथी बात, सभी जो सत्याग्रही हैं उनकी ज़मीन को वापस कर दिया जाएगा जो जब्त कर ली गई है। और एक और बात थी कि सभी सत्याग्रहियों जो नौकरी से त्यागपत्र दिए हैं उनको जो है वापस नौकरी में ले लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी तरफ इरविन जो शर्त रखता है कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना होगा और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। फ्रेंड्स इसी गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी की सज़ा थी उसे आजीवन कारावास में बदलने की मांग की थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और लोगों ने भी इरविन से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। गांधी जी एक बार फिर जो है लॉर्ड इरविन से मिलते हैं, लेकिन इरविन के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गांधी जी जो है इरविन को पत्र भी लिखते हैं, लेकिन इरविन पिघलता नहीं है। इस तरह से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी ने अपना पूरा प्रयास किया भगत सिंह को बचाने में, लेकिन वो बचा नहीं पाए। फ्रेंड्स भगत सिंह को बचाने में गांधी जी ने कितने मन से प्रयास किया, उनके प्रयास में कितनी ईमानदारी थी, क्या गांधी जी ने अपना पूरा सामर्थ्य लगाया था भगत सिंह को बचाने के लिए या सिर्फ दिखाने के लिए कुछ प्रयास किए थे। फ्रेंड्स आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और हम जानना चाहते हैं कि आप भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार किसे मानते हैं। और आपको बताते चलें कि भगत सिंह अपनी फांसी के बचाव के पक्षधर नहीं थे। दूसरी तरफ उनके पिताजी भी ने अंग्रेज़ों से जो है भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए अर्जी दी थी, और जिससे भगत सिंह रुष्ट हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, मंगल पांडे जैसे भारतीय वीरों की जो है आत्म बलिदान करते हुए देखा था, उनसे वो बहुत प्रेरित थे। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे जीके क्विज में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, क्योंकि क्विज में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें आप प्राइज भी विन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको जो है आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत शानदार तरीके से तैयार करवा दी जाएगी।